अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अरशमान। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन के थाई पीस मंगवाए थे, उसके मैंने ये इतने इतने फिले काट लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पाउडर। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अरशमान। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बेसिकली ये KFC स्टाइल है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन के थाई पीसेस लिए थे, उसके मैंने ये फिले काट लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अरशमान। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। KFC स्टाइल जिंगर बर्गर है ये। ये मैंने चिकन के थाई पीस लिए थे, उसके मैंने ये फिले काट लिए हैं। बोनलेस चिकन है ये। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पाउडर, ये अदरक लहसुन का पाउडर है। अगर आपके पास फ्रेश का पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें यूज़ करेंगे हम चिली गार्लिक सॉस, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे हम, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। और विनेगर ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। वो आप जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। नमक ऐड करेंगे। अब इनको मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं तो गुड है, लेकिन अगर कम टाइम है आपके पास तो हाफ एन आवर जो आपको देना पड़ेगा जी। ये चिकन को मैरिनेट हुए हुए हाफ आवर हो चुका है। ये हमारा मैरिनेट हो चुका है चिकन, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए जो हमने कोटिंग तैयार करनी है वो हमने लिया है मैदा। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद अब हम कोटिंग स्टार्ट करेंगे चिकन की। ये हमने ठंडा पानी ले लिया एक बाउल में। चिकन को पहले इसमें कोट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको इसमें कोट करेंगे, इसे दबा दबा के। करने के बाद इसको 30 सेकेंड्स के लिए ठंडे पानी में रख देंगे। फिर इसको निकालेंगे, फिर इसमें कोट करेंगे। बहुत अच्छे से दबा दबा के आपने कोट करना है ताकि इसका क्रस्ट अच्छा बने। अच्छी तरह से हमने कोट कर लिए और ये इसके अभी से फ्लेक्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब इसको सारे चिकन को इसी तरह करके मैरिनेट और उसके ऊपर ये कोटिंग करके इसको फ्राई कर लेते हैं। प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ था, अभी इसमें फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। ये 10 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए, ये बहुत अच्छा अच्छा क्रिस्प बन गए। हल्का सा हम इसको और फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। जी ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसकी क्रिस्प चेक करें आप, ये बन गया। अब ये हम बन लेंगे। इसमें ये हमारी होममेड केचप है, ये लगाएंगे। जितनी आप लगाना चाहें लगा लें। और ये हमारा होममेड मेयोनीज है, ये हम लगा देंगे। ये अपना चिकन रख दिया हमने इसके अंदर और ये मेयोनीज। इसके अलावा आप इसमें सलाद का पत्ता लगा सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो लगा लें। वरना ये जिंगर बर्गर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके साथ ही ये रेसिपी एंड होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।